छीनमर केस में तीनों आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय की हिरासत आज खत्म हो रही है। पुलिस तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले रविवार को मुंबई पुलिस ने इंद्राणी के साथ उसके घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। पुलिस इंद्राणी के साथ उस गैरेज में भी गई जहां शीना की लाश को कार में बंद कर रखा गया था। और इस बीच पुलिस ने कोलकाता के उस शख्स से भी पूछताछ की जिस पर आरोप है कि उसने इंद्राणी के साथ मिलकर मिखाइल को मारने की साजिश रची थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। सब लोग गिद्ध की तरह मुझे नोच रहे हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे कोई टेंशन नहीं है। शीना को आरुषी नहीं बनने दूंगा। आम लोगों के केस को भी पुलिस ऐसे ही तवज्जो दे। शीना हत्याकांड को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं और इन बयानों से साफ है कि ये केस कितना बड़ा हो चुका है। केस से जुड़ी गुत्थियां लगातार सुर्खियों में हैं और हर रोज इस मामले में एक नया पेच जुड़ रहा है। मौजूदा सबूतों और हालात को देखते हुए मुंबई पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और हर उस छोटे से छोटे सबूत पर गौर कर रही है जिससे आरोपियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंद्राणी को पीटर मुखर्जी के घर लेकर गई। इंद्राणी को लेकर घर के गैराज तक भी पुलिस गई। दरअसल पुलिस आरोपियों के साथ पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है। आरोप है कि इसी गैराज में शीना की लाश कार के अंदर बंद करके रखी गई थी। गिरफ्तारी के बाद इंद्राणी को मुंबई के वर्ली स्थित मार्लोस कॉपरिंग हाउसिंग सोसाइटी में उसे लाया है। आपको बता दें गिरफ्तारी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई पुलिस इंद्राणी को बकायदा पुलिस टीम के साथ उनके घर पहुंची है। मुंबई सूत्रों के हिसाब से पुलिस यहां पर सबूतों को इकट्ठा करने आई है और जो जानकारी मिल रही है उसमें के अनुसार इंद्राणी के पास जो पेन ड्राइव थे और कुछ फोन थे, उनके सिम कार्ड थे, वो उन्होंने वर्ली स्थित अपने घर में रखे थे और पुलिस इसलिए बकायदा इंद्राणी को लेके आई है ताकि वो बता सके कि आखिरकार उसने ये सब सारे सामान घर में किस जगह रखे थे। शीना हत्याकांड में सुराग खोजने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए वो सभी आरोपियों से अकेले अकेले और फिर आमने सामने बैठा कर बार बार पूछताछ कर रही है। जब पीटर और इंद्राणी का आमना सामना करवाया गया तो पीटर ने इंद्राणी से दो टूक कहा, हर तरह से मैं हारा हूं, तुमने जो किया वो तुम्हारी मर्जी थी, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। सब लोग गिद्ध की तरह मुझे नोच रहे हैं। तुम्हारे पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि तुम्हें यह सब करने की जरूरत होती। इस बीच खुलासा हुआ है कि इंद्राणी अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर शीना के भाई मिखाइल को चार बार मारने का प्लान बना चुकी थी, लेकिन उसकी ये योजना परवान नहीं चढ़ पाई। सूत्रों के मुताबिक मिखाइल को ठिकाने लगाने का काम इंद्राणी ने कोलकाता के एक बॉडीगार्ड को दिया था। इस बारे में कोलकाता के रहने वाले सुजीत सरकार नाम के शख्स से पूछताछ हो रही है। शीना हत्याकांड को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया है। खुद मुंबई पुलिस के कमिश्नर राकेश मारिया ने 1.5 महीने से इस केस की कमान संभाल रखी है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में मारिया ने कहा, मैं इस मामले को आरुषि केस नहीं बनने दूंगा। आखिरकार मुंबई पुलिस की इज्जत का सवाल है। मैं 30 सितंबर तक ही इस पद पर हूं। मैं उससे पहले ये केस पूरा करना चाहता हूं। हालांकि मुंबई पुलिस की इस मुस्तैदी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम लोगों के केस को भी इतनी ही फुर्ती से निपटाना चाहिए। इस मामले में मुंबई पुलिस के पास सिर्फ सोमवार तक का वक्त है। सोमवार को तीनों आरोपियों की पुलिस हिरासत खत्म हो जाएगी। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि आज मुंबई पुलिस की टीम आरोपी इंद्राणी को वर्ली के उसके घर में लेकर आती है, छानबीन करती है और इंद्राणी के साथ उस गैराज तक भी पहुंचती है जिसमें शीना की लाश को छुपाने की कोशिश की गई थी। पुलिस का दावा है कि उनकी जांच सही दिशा में जा रही है और शीना की हत्या की वजह क्या है ये भी अब पुलिस को पता चल गया है। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।